नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं जिस ओटीजी ओवन का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है अगारो ग्रैंड। ये जो ओटीजी है ये आपको मिलने वाला है हाफ प्राइस में, क्योंकि बाजार में जो पॉपुलर ब्रांड्स का जो ओटीजी ओवन होते हैं उनका दाम होता है 12,000, 11,000, 10,000 ऐसा, लेकिन आपको ये मिल जाएगा उस प्राइस के आधा रेंज में। लेकिन प्राइस आधा है मतलब ये नहीं है कि ये एक ख़राब कंपनी है, ये एक बहुत ही अच्छा कंपनी है और कंपनी का नाम है अगारो। तो अगारो कंपनी ने बाज़ार में हाफ प्राइस में ओटीजी ओवन लॉन्च किया है, लेकिन उन्होंने फीचर्स में कोई भी कमी नहीं रखा है। इसमें ओटीजी ओवन का सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे और इसका कैपेसिटी भी बहुत है। ये है 40 लीटर का, देखिए कितना बड़ा है। एक होल चिकन आप यहाँ पे रोस्ट कर सकते हैं। इस ओवन पे आप सभी कुछ बना सकते हैं, जैसे कि केक घर में बन जाएगा, ब्रेड बन जाएगा और पिज्जा भी बन जाएगा। उसके बाद कुकीज, रोस्ट चिकन, ग्रिल चिकन, ग्रिल फूड, कबाब सभी कुछ इसमें बन जाएगा, क्योंकि ये है 3-in-1 ओवन, टोस्टर और ग्रिलर, इसमें तीनों काम हो जाता है। और सबसे अच्छा बात, अभी ये बाजार के रेगुलर प्राइस से आपको ये हाफ प्राइस में मिल जाएगा। साथ ही ये आता है 1 ईयर के वारंटी के साथ। तो अगर आपके घर पे ओटीजी ओवन नहीं है तो यही अच्छा टाइम है एक ओटीजी ओवन लेने का, तो अभी इसको ऑर्डर कीजिए। इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन रुकिए, आप देख लीजिए इसको खरीदने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग वीडियो और उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो इसका जो बॉक्स है बहुत ही बड़ा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है अगारो ओवन टोस्टर ग्रिलर और मॉडल का नाम है ग्रैंड और इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो अभी देख लेते हैं बॉक्स में से क्या क्या निकला। ये हो गया ओटीजी, उसके बाद यहाँ पे है यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड। उसके बाद ओटीजी का जो वायर है वो इतना लंबा है। उसके बाद मिला है ये वायर रैक, उसके बाद मिला है एक फूड ट्रे, उसके बाद ये हो गया एक क्रम ट्रे, उसके बाद ये हो गया रोटीसेरे हैंडल, उसके बाद ये रोटीसेरे फोर्क और ये ट्रे हैंडल, इससे आप ट्रे को आसानी से उठा सकते हैं ऐसे। तो ये रहा ओटीजी। इसका जो डोर है, ग्लास का डोर है, इसको ऐसे खोला जाता है, देखिए ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास का डोर है। तो इसके अंदर 4 हीटिंग रोड है, 2 नीचे है और 2 ऊपर है, इसी से गर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे एक बल्ब है, आपको शायद बाकी ओटीजी के कंपनीज में ये नहीं मिलेगा, जिससे आप बाहर से ही देख सकते हैं कि खाना कैसा पक रहा है। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा लगा और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली जो अगारो का प्रोडक्ट्स होता है उनका बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन बहुत ही अच्छा होता है, एकदम प्रीमियम जैसा होता है। तो इसमें साथ में जो एक्सेसरीज मिला था उसको अभी अंदर डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं क्रम ट्रे को, ये एकदम नीचे रहता है तो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे जो भी वेस्ट गिरेगा आप उसको ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं और साफ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हो गया वायर रैक, ये आप ऐसे लगा सकते हैं और यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है, एकदम ऊपर, मिडिल पे, नहीं तो एकदम नीचे, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नीचे रखेंगे तो नीचे का जो रोड है नीचे से ज़्यादा गर्म आएगा और ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो ऊपर से ज़्यादा गर्म आएगा, और बीच में रखेंगे तो दोनों साइड से सेम टेम्परेचर मिलेगा। उसके बाद ये हो गया फूड ट्रे, इसको भी आप लगा सकते हैं ऊपर नीचे नहीं तो मिडिल पे, और इस फूड ट्रे को निकालने के लिए एक हैंडल दिया है साथ में, ऐसे आप निकाल सकते हैं फिर से डाल सकते हैं। तो अभी लगाएंगे ये रोटीसेरे फोर्क को, ये ऐसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे मोटर है, ये घूमता रहता है तो अच्छे से रोस्ट होता है और यहाँ पे एक होल चिकन फिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप टर्की रोस्ट कर सकते हैं और जब रेडी हो जाएगा तब आपको निकालने के लिए ये वाला रोटीसेरी हैंडल दिया हुआ है। आपको ग्लोव्स यूज करने का भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे रोस्ट टर्की को निकाल सकते हैं। और अंदर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर फैन है, तो ये कॉन्वेक्शन का भी काम करता है, इससे क्या होता है अंदर में जो टेम्परेचर है इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी मैं ओवन को ऑन करने वाला हूँ, मैंने प्लग लगा दिया है और अंदर पे रोटीसेरी फोर्क है। तो अभी मैं जो मोड सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सिलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर वाला हीटिंग रोड और रोटीसेरी फोर्क रोटेट वाला,
उसके बाद टेम्परेचर सेलेक्ट किया है 210 डिग्री और उसके बाद अभी मैं टाइमर को ऑन करूँगा। तो देखिए 10 मिनट का मैंने दिया है और यहाँ पे एक लाइट जल गया है रेड कलर का और अंदर पे भी लाइट जल गया है और जो रोटिसरी फॉर्क है आप देख सकते हैं वो रोटेट हो रहा है, वो देखिए। तो जब खाना पक जाएगा तब ये जो टाइमर है ये यहाँ पे आ जाएगा ऑफ में और एक घंटा का आवाज़ आएगा और ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए अभी मैनुअली ही ऑफ कर रहा हूँ। तो देखिए ऑफ हो गया है। तो ऐसे ही यूज़ किया जाता है, एकदम सिंपल है। तो है ना, ये एक बहुत ही काम का प्रोडक्ट। तो अगर आप ओटीजी लेने वाले थे तो अभी लीजिए, तो मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा ओटीजी ओवन है और बहुत अच्छा दाम पे ये सेल हो रहा है। तो अगर आप एक ओटीजी ओवन लेने वाले थे तो अभी लीजिए, यही अच्छा टाइम है एक ओटीजी ओवन लेने का। और इसको ख़रीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।